एवरीवन, आई एम मोनिका फ्रॉम वुमेन डेडिकेशन टीम। आज हम आए हैं श्री राम न्यू सतलुज सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो इस स्कूल के हम फाउंडर मैम से मिलते हैं, जो कि है मैम शशि सचदेवा। तो मैम, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि ये स्कूल आपने कब स्टार्टअप किया? मैंने 1988 में स्कूल को स्टार्ट किया, क्योंकि शुरू से पढ़ना और पढ़ाना मेरा पैशन रहा है। तो उसी मोटिव को लेके मैंने सोचा कि बच्चों को जो मेरे पास है वो बच्चों को दूं, और कम बजट में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देना मेरा मेन मकसद रहा है, और वही अभी चल रहा है। हालांकि मेरी तो 95 में गवर्नमेंट जॉब लग गई थी, उसके बाद स्टाफ है और मेरी बेटी है ऊर्जा सचदेवा, ये सब मिलके मेरे सपने को पूरा कर रही हैं। और जैसा मैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जाती हूँ वैसे इस विद्यालय में चल रहा है। और जैसे कि नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों में स्किल एजुकेशन को बढ़ावा दे रही है गवर्नमेंट हमारी। तो स्किल एजुकेशन को फोकस करते हुए हमने NEP 2020 को फॉलो किया है, और उसी बेस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नीति आयोग ने हमारे स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब, जो कि एक रोबोटिक लैब है, उसको स्थापित किया है। और उसके अंदर बच्चों के अंदर जो भी टैलेंट है, बच्चे उसको फ्रॉम द LKG क्लास, वहाँ बच्चों की क्रिएटिविटी और जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको इम्प्रूव करती हैं। तो बच्चों की क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए NEP 2020 बनी है, और उसी को फॉलो करते हुए बच्चों को एजुकेशन दे रही है। मैम, इस लैब के कोई एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह भी लिए जा रहे हैं? इस लैब के कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, जो हमारी नॉमिनल फीस है उसी नॉमिनल फीस के अंदर ही बच्चों को हम हर तरह की फैसिलिटी दे रही हैं स्कूल के अंदर, जैसे कि कंप्यूटर लैब भी है, बायो लैब है, केमिस्ट्री लैब है, म्यूज़िक लैब है, डांस एक्टिविटीज़ हैं, और किसी भी एक्टिविटी के एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए जाते। ओनली जो ट्यूशन फी है उसी के साथ ही सब कुछ करवाया जाता है, और बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। मैम, एजुकेशन लाइन में आपका कितना एक्सपीरियंस हो चुका है अब तक? 35 ईयर्स का तो मेरा एक्सपीरियंस ऑन रिकॉर्ड है, और उससे पहले मैंने मैट्रिक करते ही पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो उसके बाद मैंने मास्टर्स किया, 5 मास्टर डिग्रीज करी मैंने, LLB किया, LLM किया, BEd करा, MEd करा, स्कूल चलाते चलाते ही किया मैंने। तो उसी में यही चाहती हूँ कि बच्चों को हर फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, यही मेरा मुख्य उद्देश्य रहता है। मैम, आप अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को किस पर्पस से लेके एजुकेशन स्किल्स देते हैं, किस पर्पस से उन्हें मोटिवेट करते हैं? मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा सफल इंसान बने, ना कि डिग्री हासिल करके और नौकरी की तलाश में घूमें। हम ये चाहते हैं कि बच्चे सफल इंसान बने, अपनी रोजी रोटी खुद कमाएं और एक ईमानदार नागरिक बने, जिसकी आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अब स्वच्छता अभियान चल रहे हैं कि स्वच्छता के बारे में हमें अवेयर करना पड़ रहा है। अगर हम ऐसी शिक्षा शुरू से बच्चे को देंगे कि अपने आसपास का वातावरण साफ रखना है, तो बच्चा क्यों गंदगी फैलाएगा? अब नशा मुक्ति के अभियान चल रहे हैं, अगर हम स्कूल से ही बच्चे को अच्छी क्रिएटिविटी, नई स्किल एजुकेशन के साथ जोड़े रखेंगे, ना वो बच्चा खाली रहेगा, ना वो गलत आदतों में पड़ेगा, ना वो गलत संगति में जाएगा। तो खासकर टीन एज के जो बच्चे होते हैं, अडॉल्सन एज के बच्चे हैं, उनको पेरेंट्स को भी मैं कहना चाहूँगी कि उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा व्यस्त रखें, किसी ना किसी एक्टिविटी में लगा के रखें, ताकि वो गलत रास्ते में ना जाए। तो मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि प्लस टू के बाद जो CUET का कंसेप्ट आया है, उस चीज़ को लेके आप बच्चों को कैसे मोटिवेट करते हैं? CUET का जो कंसेप्ट आया, बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसमें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट है, जिसमें पहले बहुत ज़्यादा मारामारी होती थी, बहुत से बच्चों के 99% मेरिट लिस्ट बनाने में ही प्रॉब्लम आती थी। तो अब ऐसा है, CUET का जो टेस्ट होगा उसके बेस पे जो मेरिट बनेगी, जो रैंक बनेंगे बच्चों को, उसी के बेस पे क्वालिटी के अकॉर्डिंग ही कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलेगा। क्योंकि बच्चे कई बार क्रैमिंग करके मार्क्स तो ले जाते हैं, बट उनकी नॉलेज नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, कंसेप्ट उनको क्लियर नहीं होते। तो CUET का ये बेनिफिट होगा कि बच्चे हर कंसेप्ट के बारे में उनको क्लियर होगा। और ये चीज़ें हम स्कूल में ही बच्चों को शुरू से ही छोटे छोटे क्विज कंटेस्ट करवा के, लाइब्रेरी में भेजकर, बच्चों को जनरल अवेयरनेस टेस्ट लेकर, ओलंपियाड्स लेकर, और उसके बेस पे ही बच्चों को इन चीज़ों के लिए हम रेडी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और स्कूल के बारे में जानकर।